लेकिन इनके वजह से वो काम करना नहीं पाए। लेकिन फिर भी आज जनता सब कुछ जान चुकी है और समझ चुकी है, समझ रही है, आने वाले समय में इनको खूब अच्छा जवाब देगी और बस वो ताक में है। लेकिन मैं सभी से यह आग्रह करती हूँ कि हम लोग को सिर्फ यहाँ बैठ के बताने की जरूरत नहीं है, हम लोग को हर गली हर कोने में जाकर इनकी जो मानसिकता है उसको बताने की जरूरत है। और मैं बिजली विभाग के अधिकारियों से भी कह देना चाहती हूँ कि आप तो एसी में सोते हैं लेकिन गरीबों के बच्चे पढ़ने के टाइम में भी उनकी लाइट नहीं रहती है। और मैं कह रही हूँ कि बहुत दिन सरकार रहने वाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी। मैं आपको आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहूंगा। फर्जी बिल के नाम पर गांव की बिजली काटना बंद करो। बिजली नहीं तो बिल भी नहीं, बिजली की बढ़ी हुई दर तत्काल वापस दो। हक में जो बिजली दो, बिजली नहीं तो बिल भी नहीं। पीछे एक बैनर लिखा हुआ है, बिजली की गंभीर समस्याओं के विरोध में कमलेश्वर पटेल विधायक पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन के नेतृत्व में अनिश्चितकालीन धरना। मैं इसी धरना स्थल पर मौजूद हूं, हमारे साथ कमलेश्वर पटेल जी हैं। यहां पर बिजली की समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। पिछले दिनों अपने दर्शकों को भी बता दूं, शायद उनको याद भी होगा, यहां के मऊगंज के विधायक ने बिजली की समस्याओं के खिलाफ धरना भी दिया। तमाम बातें हैं, इन्हीं सारी बातों पर आज बातचीत। ये बताइए, आज क्या जरूरत आन पड़ी जो यहाँ पर आप बैठ गए? आप महीने से चार चार महीने से ट्रांसफार्मर जले, खेती किसानी का टाइम, किसान परेशान है, कहीं तार टूटा है, कहीं खंबा टूटा हुआ है, बदलने का नाम नहीं हो, ट्रांसफार्मर होने के बाद भी नहीं बदल रहा है, तो ये कर क्या रहे हैं? भाजपा की सरकार में हो क्या रहा है? बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी क्या कर रहे हैं? मीटर रीडर से उनका भुगतान नहीं हो रहा है, एक तो आउटसोर्सिंग में सारा काम चल रहा है, कर्मचारी नहीं है, तो ये सारी अव्यवस्थाओं को लेके फर्जी बिल आ रहे हैं, रीडिंग होती नहीं है, मीटर भी खराब है, उसके बाद भी बड़े हुए बिल आ रहे हैं, जहाँ ट्रांसफार्मर जले हैं बिजली बाधित है उसके बाद भी बिल आ रहे हैं, अब तो नोटिस जारी शुरू हो गया है, लोगों का कुर्की के नोटिस हो रहे हैं, तो ये सारी समस्याओं को लेके आज ये धरना का अनिश्चितकालीन यहाँ पे शुरुआत हुई है और ये धरना तब तक चलेगा जब तक संतोषजनक जवाब जिला प्रदेश सरकार से, संभागीय जो यहाँ के चीफ इंजीनियर हैं, क्योंकि हमने कई बार इनसे संवाद किया था और ये बोलते थे कि हम एक सप्ताह में कर देंगे और हमने इनको चेताया भी दिया। ये अभी तो जिला स्तर पे चल रहा है आंदोलन, डीसी लेवल पे चल रहा है और अगला नंबर आपका ही है, अगर आप समाधान नहीं करेंगे तो आपके कार्यालय के बाहर ही आके वहीं बैठेंगे, फिर वहीं बात करेंगे और कितने दिन ये रखवाना चाहते हैं इनके ऊपर है। अगर ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर अगर मेंटेनेंस के लिए आता है तो ठीक क्यों नहीं करते, वहाँ से निकाल लाएंगे, मेंटेनेंस होके जाता नहीं है, सभी जिला मुख्यालयों में 100-100 ट्रांसफार्मर एक्सेस में रहना चाहिए, मेंटेनेंस के लिए जिला मुख्यालयों में व्यवस्था होनी चाहिए, वहाँ से रीवा आएगा, सतना लेने जाती है गाड़ियाँ, कितना शासकीय धन का दुरुपयोग होता है, तो ये लोग मेंटेनेंस के नाम पर घोटाला करते हैं और व्यवस्था के नाम पर गीला हवाली करते हैं, इसलिए आज यहाँ पर हम लोग आए हैं और बैठे हुए धरना, ये कोई सभा नहीं है, ये सिम्बॉलिक धरना है, सारे जनप्रतिनिधि लोग बैठे हैं, सब अपने अपने एरिए के नेता लोग यहाँ पे बैठे हैं, रीवा से भी है, सतना से भी है, सीधी सिंगरौली से भी है, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के इनको जगाने के लिए आए हैं। शिवराज सिंह तो बोलते थे कि हम बड़ा हुआ बिल 15 महीने की सरकार में कि हम होली जला देंगे, खंभे पे चढ़ के हम जोड़ देंगे कहीं अगर विद्युत बाधित होगी, अब बताएं शिवराज सिंह आप जवाब दें कि बिजली का बढ़ा हुआ बिल जो आ रहा है वापस क्यों नहीं लेते? कोरोना में लोगों ने अपनी जान त्याग दी, लोगों को राहत राशि नहीं दी और बिजली का बिल उस समय माफ़ करने की बात करते हैं, कोई माफ़ नहीं किया, सबको बढ़े हुए बिल दे दिए, अब तो कुर्की करने की बात कर रहे हैं, तो ये सारी बातें हैं और असंवेदनशील हो गए हैं। घोटालेबाजों की सरकार है, सुनवाई जनता की हो नहीं रही है, मजबूरी में हमें धरना देना पड़ रहा है। धरना ये आम धरना नहीं है, जब तक मांगे पूरी नहीं हुई हम अब यहीं पर बैठेंगे। जनता की बात है, जनता से हम जुड़े हुए हैं, सीधा सा मतलब है, जब तक घरों में बिजली नहीं, ट्रांसफार्मर पोल में ट्रांसफार्मर नहीं लगे, तब तक हम यहां से उठकर जाने वाले नहीं है, कुछ इस तरीके से कहना था पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल। मैं कहना चाहती हूँ क्या नरेंद्र मोदी जी 5 साल में आकर सब बना लिए, रोड, लाइट, बिजली, पानी, हवाई जहाज, कंप्यूटर वगैरह, इन्होंने कुछ भी नहीं बनाया है।
बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस सड़कों पर। हमारे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू। मेरा आपसे केवल एक छोटा सा सवाल है, भाजपा के रीवा में सारे के सारे विधायक सांसद भी भाजपा का है, भाजपा का विधायक बिजली विभाग में जाके धरना प्रदर्शन करता है जैसा आप कर रहे हैं, तो कांग्रेस और भाजपा में क्या है अंतर? भाजपा के विधायक जो धरना करने गए, क्या उसके बाद बिजली की समस्या समाप्त हो गई? नहीं, भाजपा के विधायकों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों का रोना रोया और बिजली मंत्री का रोना सब लोग रो रहे हैं, और विपक्ष भी आज सड़कों पे है और बिजली के बिल, ट्रांसफार्मर, इन मुद्दों पे रो रहा है। तो ये तय हो जाना चाहिए कि भाजपा के विधायक भी मान रहे हैं कि बिजली की समस्या है और जनता तो ऑलरेडी त्राईमाम त्राईमाम कर रही है, तो ऐसे विधायकों को अब बने रहने का कोई अधिकार नहीं जो बिजली की समस्या को समाधान नहीं कर सकते, ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते, बिजली का बिल कम नहीं करा सकते। तो ऐसी जनप्रतिनिधि का क्या काम, उन्हें तो शिवराज मामा के पास अपना इस्तीफा भेज देना चाहिए, विधायकों को इस्तीफा दे देना चाहिए। एक लाइन में जो सार निकलता है शहर अध्यक्ष का, उसका सीधा सा मतलब है ये इस समय जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं वो किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं है। विधायक जिस सोच से रीवा के लोगों ने चुना था, अपनी नाकामयाबी को अब मान लें और अपने मुख्यमंत्री के पास जाकर इस्तीफा दे दें।